हे गुरुवर, संयम के बारे में मैंने जाना है कि मन और इंद्रिय को वश में करना ही संयम कहा जाता है। आपके श्रीमुख से संयम के बारे में विस्तृत व्याख्या जानना चाहता हूँ, और साथ ही इंद्रिय दमन और इंद्रिय निग्रह, इन दोनों की स्पष्टीकरण आपसे इसके बारे में। संयम का अर्थ मन और इंद्रियों को निग्रह करना, बिल्कुल सही है। प्राणियों की पीड़ा का परिहार और इंद्रिय और मन पर नियंत्रण संयम की परिभाषा है। शास्त्रों में यही परिभाषा है, पर मैं आज आपको संयम का एक बड़ा दूसरा रूप बताना चाहूँगा। संयम के विषय में एक बार आचार्य महाराज से, सन 1994 की बात है, अमर कंटक में गुरुदेव विराजमान थे, मैं गुरु चरणों में था। रामकृष्ण परमहंस मिशन के 40 सन्यासी गुरु चरणों में आए। गुरुदेव के समक्ष वो लोग तत्व चर्चा कर रहे थे। तत्व चर्चा करते करते एक साधक ने पूछा कि गुरुदेव, इंद्रिय जय कैसे करे, यानी इंद्रिय संयम कैसे लाए। गुरुदेव ने बहुत ही सरलता और सहजता से उत्तर दिया, कुछ नहीं, इंद्रिय का काम इंद्रिय से करो। गुरुदेव, हम लोग तो इंद्रिय का काम इंद्रिय से करते। बोलते, नहीं, आँख का काम क्या है? बोले, देखना, बस देखो। कान का काम क्या है? सुनना, बस सुनो। नाक का काम क्या है? गंध लेना, गंध लो। जीभ का काम क्या है? स्वाद लेना, स्वाद लो। स्पर्श इंद्रिय का काम क्या है? स्पर्श करना, लो। उनके साथ मन को मत जोड़ने दो, इंद्रिय जय हो गया। जब मन जुड़ता है तो उसमें इष्टानिष्ट संकल्प विकल्प होता है, और इष्टानिष्ट संकल्प विकल्प से फिर मन इंद्रियों को दौड़ाता है, असंयम आता है। तो क्या करो, मन को साध लो। समझ गए? तो मन को साधना ही सबसे बड़ा संयम है। और मन को साधने के लिए क्या करना है? मन को मोड़ना है। क्या करना है? मन को मोड़ना है। मन की बहिर्मुखी प्रवृत्ति को जब हम अंतर्मुखी बनाते हैं, हमारा मन मुड़ जाता है, और वो हमारे जीवन के संयम का आधार बनता है। समझ गए? तो मन को मोड़ लोगे तो मन आनंद देगा, फिर कुछ नहीं होगा, आनंद ही आनंद होगा। इसलिए इंद्रिय जय करने का मतलब, या जीवन में संयम लाने का मतलब, मन को मोड़ने की कला सीखना। अब मन की को मोड़ने के लिए क्या करें? चार शब्द बताता हूं। निषेध, नियंत्रण, शुद्धि और सिद्धि। मन को मोड़ना है तो कुछ चीजें निषेध आज्ञा में लगा दो। अभी आप यहां हो, मुझसे बात कर रहे हो, इस बीच यदि कोई आपके लिए कुछ कह दे तो अभी आपको गुस्सा आएगा क्या? मेरे सामने हैं, गुस्सा आएगा? आपके सामने नहीं आएगा। नहीं आएगा? क्यों? क्यों नहीं आएगा? गुरु महाराज के सामने फिर नहीं हो सकता। नहीं आएगा? नहीं, आपको नहीं आएगा, क्योंकि आपने अपने मन में ये कोड डाल रखा है कि गुरु महाराज के सामने हमें कैसा आचरण करना चाहिए। छोड़िए, एक शराब पीने वाला आदमी, शराबी आदमी जो बिना शराब के नहीं रह पाता है ना, वो शराबी आदमी जब मंदिर में होता है, गुरुओं के सामने होता है, उससे शराब पीने के लिए कहे पिएगा? क्यों? उसने मन में कोड डाल रखा है कि मुझे कहाँ शराब नहीं पीना है।
आप दुकान में बैठे हैं, आपका ग्राहक आपसे बदसलूकी कर रहा है और आप नम्र शब्दों में उससे बात कर रहे हैं, यानी आप ये कोड दे रखे हैं कि मुझे ग्राहक से नम्र व्यवहार रखना है, मृदुता रखनी है ना। तो ये जो मन का कोड है वो मन में नियंत्रण लाता है। तो निषेधाज्ञा लगा दो संकल्प के साथ, जो मुझे नहीं करना उसकी निषेधाज्ञा लाओगे तो फिर मन में नियंत्रण आएगा। निषेधाज्ञा के बाद मन जाने लगे तो मन को नियंत्रित करो, नहीं ये काम तो मैंने अभी किया नहीं, अब कंट्रोल करो। तो निषेध के बाद नियंत्रण होगा, और जब नियंत्रण करने में समर्थ हो जाओगे तो मन की शुद्धि होगी, और जब मन की शुद्धि होगी तो जीवन की सिद्धि होगी, है ना। उससे हमारा जीवन धन्य होगा।